भाई कैसे हो आप सब ठीक हो भाई? आप सब भाइयों के बहुत के मैसेज आते हैं कि भाई कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताओ। तो भाई ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता खैर मेरे बिजनेस के बारे में, बट मुझे हाँ इतना पता है कि जो ये बिजनेस है भाई हमने स्टार्ट किया था 1997 में, उस टाइम हमारे पास एक ही गाड़ी थी। आज 2023 के अंदर भगवान की दया से अपने पास 500 प्लस गाड़ियाँ हैं। ये सब ऊपर वाले की देन है क्या फिर घर वालों की देन है? बाकी भाई अपना जॉइंट बिजनेस है, बोले तो फैमिली बिजनेस है। आपका भाई भी आने वाले टाइम में यही काम करेगा, टायरों का ध्यान रखेगा, ट्यूब का ध्यान रखूँगा ना मैं तो, ना टायर ट्यूबों का ध्यान रखूँगा। बाकी भाई बढ़िया बिजनेस है भाई, भगवान की दया से साल के अंदर 100 फ्री कर लेते हैं, 100-150 बेच लेते हैं, ठीक है मस्त काम है भाई अपना, ठीक चल रहा है। हो जाता है दाल रोटी का जुगाड़, क्यों ब्रो सही है ना, दाल रोटी मिल रही है ना अपने वो टाइम पे, आपका भाई दाल रोटी खाता है, दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है, गाड़ी चला लेते हैं, गाड़ी की कभी तेल की सुई देखनी नहीं पड़ती, भगवान दया से इतना है कि हाँ तेल नहीं देखते कभी भी, जहाँ मन कर गया वहाँ फिर जाना ही है, जितना मन कर गया उतना घूमना है, फिर चाहे दिन की 200 किलोमीटर कोटपूतली में चलानी पड़े गाड़ी, कोई चक्कर नहीं है भाई अपने को, बस भाई इतना ही है। बाकी ठीक, आज भी भगवान दया से अपने 10 गाड़ी आई है, हो सकता है इस महीने में 31 या 41 गाड़ी ले अपन, डील तो हो गई है पर देखते हो कितनी दे पाएंगे अपने को, 31 तो कन्फर्म है, 41 भी दे सकते हैं कंपनी वाले अगर उनके पास स्टॉक में हुआ तो। बाकी ठीक है, सोगरी लैंड की ले लिया आज अपन ने वापस, 8-10 खड़ी है, सुबह दिखाऊंगा तुम्हें नई नई पन्नी पार्ट, 2-4 के अनबॉक्सिंग मैं ही करूँगा कल, वीडियो भी तो बना के देनी है ना सोगरी लैंड वालों को मुझे कि हम काफ़ी टाइम से सोगरी लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, फिलहाल इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एवरेज दे रही है। आपका भाई ऐसे से बोल के देगा उनको वीडियो, देखना तुम देंगा ओड़ा सोड़ा कोई ले दे ले आप अपना काम कर कुरार सुलटा देंगे दुकान ने कि भाई। बाकी अब कहो तो इस दुकान को यही बंद कर देता हूँ, बाकी आज इस जो भी लास्ट में पूरी क्लिप बना रहा हूँ ना मैं बोल के, इसको ब्लॉग की स्टार्टिंग में लगाता हूँ, अब आगे का ब्लॉग देख लेना भाई तुम, ठीक है? प्यार बनाए रखो, जिंदगी में भाई मेहनत करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर दिल से मेहनत से करोगे ना सक्सेस तुम्हारे पाँव में गिरेगी जैसे मेरे गिरती डोलती है। वैसे मैं लोग कर रखी है, मैंने वकील हूँ मैं, बट अपने को उसकी जरूरत नहीं है, अपन ट्रांसपोर्टर है। लो तो दिन की शुरुआत कर ली है इसी के साथ, शीशे खोल के आगे का गेट डाल के आगे चलते हैं, फिर अब लेते हैं बैक। बाकी भाई बहुत देर से देख रहा है कि आखिर कर क्या रहा है, पागल पुगल हो गया। पापा को खाना खिला के आते हैं, बाकी कोचिंग वाले बच्चे आ गए, ये कोई फैंस नहीं है। लो भाई कोटपुतली की हालत देख लो, दिल्ली की तरह तगड़ा जाम है। लो तो इसी के साथ पहुंच गए अपन ऑफिस, ये दौलत सोलत कोई है तो नहीं कहीं मुझे देख के कोई मेरा यही ब्लॉग बना दे। मांगी हुई मोटरसाइकिल से ज्यादा दिक्कत आती है, आते तेल डलवाना पड़ता है, 22 बजे तेल डाल दे, फुल मत करियो बस। लो तो अपन चलते हैं कोटपूतली की तरफ, बाइक अपन ने ऑफिस पे खड़ी कर दी है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं परेशान नहीं होना चाहता इसलिए मैंने दो बजे का साथ निकाल लिया है। बाकी देख लो कैसा क्या नजारा है, एक बारी खोखा कर दी रही दिखा चलवा दे। बाकी गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है गाइस, देख लो बहुत पैसा है हमारे पास, मोटा पैसा है हमारे पास, पैसे का घमंड है। लो तो फाइनली हम घर पहुंच गए गाइस, जब ये सर्दी कपड़े दे रहे थे अपनी नींद से, अब चलते हैं ऊपर। ये गाइस ये सब फोन चला रहे गाइस, मैं अकेला हूं गाइस। लो तो नेपाल से सलाजीत आ गई है, इसकी ओरिजिनल बता कैसे क्या फर्क रहता है इसके ओरिजिनल का? इसको ओरिजिनल आता है देखने में नरम होगा, खाने में गरम होगा, खींचने में तार बनेगा, कांच की तरह टूटेगा, रबड़ की तरह जुटेगा, ताकत देगा ना मुझे? अरे एकदम बढ़िया ताकत देगा, पहले ले तो सही। मैं चल नहीं पा रहा हूँ ढंग से चल पाऊंगा इसके बाद में, खाएगा तो एकदम ढंग से चल जाओगे। अच्छा देखता हूँ इसको खा के देख ले भाई कैसा लगी। यार तेरा स्प्लेंडर पे चाले तन चस्का लाल फरारी का, अरे गरीब बेचारा लंगड़ा आदमी यार, ध्यान रखा करो इनका, बाय गरीब।
लो तो मैं और मेरा भाई डीके दोनों निकल चुके हैं राइड पे घूमने के लिए। भाई कैसा लग रहा है? गरीबों की तरह लग रहा है। अबे गरीब नहीं, यूं मान ले आज तो ये रोड है ना जो लाखों का रोड था, जो कई करोड़ों का रोड हो गया है, भाई सारा अपना ढंग रहा है। ये सारी जमीन सरकार की नहीं भाई, हमारी है। क्यों? यस ब्रो। बाकी मजा रहा है ना मोटरसाइकिल पे तो बिल्कुल एकदम चिल। अरे जाम परेशान करता है ब्रो, इसलिए मोटरसाइकिल सबसे बेस्ट लगती है आजकल। बाय ब्रो, करो चिल बाइक पे। मिलते हैं बहुत जल्दी ऑफिस में जाके, इतने मैं डीके भाई दोनों चिल फिल कर लेते हैं। गाड़ियों की फुल लाइन है भाई आज। फाइनली ऑफिस में पहुंच गया हूं मैं। सर्दी मुझे आजकल नहीं लगती है इसलिए मैं बाइक पे घूमता हूं। बाकी बाइक पे घूमने का मजा ही अलग है। सामने से पिकअप आ रही है, लगता है हमला हो गया है मेरे पर। देख रहे हो गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियां ही गाड़ियां। फाइनली हम ऑफिस पे पहुंच गए हैं गाइस। एक हाथ से तगड़ी मोटरसाइकिल चलाता हूं ना मैं। बाइक का ओनर बाइक चेक करने आया था। तो कैसे सही में पटक ले साला नकली, इतरो कच्चो खिलाड़ी समझा देख तेरे फुफ्फा नवाज यार वो भतीजे। तो फाइनली ढाबे पे पहुंच गए हम ख्याली जी के साथ। ढाबे पे ख्याली फॉर्च्यूनर लेके आए, सबको यूं लग रहा है कोई रईस ज्यादा आए। भाई ग्रीन सलाद लेना अपने पास है, सेव भाजी, बाकी रोटी दिखाऊंगा तुम्हें भी आने से। बहुत फेमस खाना है, सब्जी देख लो कितनी गर्मा गर्म है। लो तो भाई खाना खा के हो गया हूँ फ्री, अभी हम यहाँ से चलते हैं ऑफिस पे। क्यों भतीजे जी? भतीजा जाके काम भी संभालना है भतीजे को। बाय गाइस, लो तो दोबारा खाना खा के ऑफिस पहुंच गए। बाकी आज गाड़ी बहुत आ रही है भाई खाली। ओके गुड नाइट सबको। ऑफिस के सामने खड़ा भी इसको देखना, साइड में लगाऊंगा मैं। फुल ट्रक चलाने आते हैं मुझे यहाँ पे रह रहे। गाड़ी अभी आ गई, अभी आई है शोरूम से निकल के ट्राली लगवा लगवा के। अरे ख्याली है ना ऊपर लगवा ने टेन है। लो तो देख लो भाई आज गाड़ियों की लाइन दबा के भर चुकी है यहाँ पे ऑफिस पे। अब सुबह चाहते आएंगे जब ही निकलेंगे गाड़ी आती तो। बाकी आलसी आदमी बैठा है पेड़ के नीचे बस, और इसे कुछ नहीं करना। चलो ठीक है भाइयों, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी तुमने मेरी मेहनत देख ही ली होगी कैसे जीरो से 500 ओम है। बाकी हमारे नए भाई से मिलो, काड़ू से, अब तुम्हें रोज़ मिला करेगा। बाकी ये तो है जो मोबाइल में नहीं देखता, इसकी तो डायरेक्ट स्क्रीन शॉट ही खींचेगा एक दिन राजा गुजर पा वाला वाला गाटा। बाय, गुड नाइट। जो उठ के देख रहे उनको गुड मॉर्निंग, जो मेरा ब्लॉग देखने के बाद हम सोएंगे उनको गुड नाइट। बाकी सब ठीक है यार, अभी तक तुमने मेरी कटिंग की तारीफ नहीं की, तो यार मेरी कटिंग की तारीफ करो। बहुत तगड़े बाल है मेरे पीछे से, और भी तगड़े। देखो ढंग से दिख नहीं रहे होंगे, कल कोई कैमरा मैन को पकड़ूंगा फिर उससे दिखाऊंगा मेरी गुद्दी।